हमारे सामने एक अहम मसला है जिस पर हमें फौरन गौर करना है। इन दिनों पोचर्स यानी कि चोरी से शिकार करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। ये लोग अपनी निजी फायदे के लिए अंधाधुन जंगल और जंगली जानवरों को खत्म किए चले जा रहे हैं। जंगल से आम इंसानों को कितने फायदे हैं इसकी वो परवाह नहीं करते। जंगलों में बारिश की तेज गति इन दरख्तों की वजह से कम हो जाती है और यही बरसात का पानी इन्हीं दरख्तों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जज्ब होकर जमा हो जाता है। बाद में यही पानी चश्मा बनकर जमीन से फूट कर निकलता है और खुश्क मौसम में दरियाओं और नदियों को सूखने से बचाता है। इसीलिए जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हर मुल्क का कम से कम तिहाई हिस्सा जंगल होना चाहिए। अब रहे जंगल के जानवर, चरिंदे जानवर जैसे हिरन, सांभर, जिनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है। अगर इन जंगल में काफी खुराक न मिले तो हमारी बस्ती में आग घुसेंगे, खेती बर्बाद कर देंगे, फसल बर्बाद कर देंगे। इनकी आबादी हद से ज्यादा न बढ़ने पाए इसलिए कुदरत ने पैदा किए हैं दरिंदे जैसे शेर, चीते वगैरह। इसे कहते बैलेंस ऑफ नेचर, इकोलॉजिकल साइकिल ऑफ नेचर। लेकिन ये पोचर्स कुदरत के सिस्टम को, इस नियम को धर्म भरम कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि एक जोड़ी हाथी दांत के बदले उन्हें 20,000 से 60,000 रुपए मिल सकते हैं। जंगल के जानवरों की किस बेदर्दी से तबाही हो रही है। ये लोग गेंडे की बची कुची नस्ल भी खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि गेंडे का सींग कुछ मुल्कों में सोने के भाव बिकता है। इस गलत ख्याल पर कि गेंडे के सींग से काम शक्ति बढ़ाने वाली दवाई बनती है। शेर की खाल आज 30,000 से 50,000 रुपए तक में बिकती है। अब आप ही लोग अंदाजा लगाइए, जहां 50 साल पहले हमारे मुल्क में जंगलों में शेरों की तादाद 40,000 थी, अब गिरते गिरते 2,000 रह गई है। अब लीजिए जंगल के दरख्त जैसे सागवान, चंदन, रोजवुड वगैरह। पोचर्स लोग इन कीमती दरख्तों को चोरी से काटकर स्मगल करते हैं। 1 किलो चंदन की लकड़ी 100 रुपए में जाती है। 1 रोजवुड का दरख्त कम से कम 1,00,000 रुपए में बिकता है। इस स्मगलिंग से हमारे मुल्क को हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। आज की मीटिंग खास तौर पर इसलिए बुलाई गई है कि कल ही हमें खबर मिली है कि मधुबन के जंगल में पोचर्स के एक बहुत ही खतरनाक गिरोह ने सर उठाया है और हमारे एक बहुत ही काबिल ऑफिसर उनसे मुकाबला करते हुए मारा गया है। सर, ऐसा लगता है कुछ लोग चंदन के पेड़ काट रहे हैं। कहाँ? पहाड़ी के उस पार। ओह, तुम दूसरे घाट को लेकर आओ, मैं वहां जाता हूँ। ओके सर। इनके तौर तरीके से ऐसा लगता है कि यह वही गिरोह है जिसने 20 साल पहले काजीरंगा के जंगल में तबाही मचा दी थी। दोस्तों, पोचर्स मुल्क के बदतरीन खतरनाक दुश्मन हैं। इनकी हरकतों को खत्म करना हमारा फर्ज है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की हैसियत से मैं किसी को भी इस काम के लिए भेज सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से खुद कोई उठे और इस उद्देश्य को पूरा कर। बोलो विजय। सर, मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मेरी पोस्टिंग आप वहां कर दें। मैंने उन जंगलात की अच्छी तरह से स्टडी की है और उन पर एक प्लान भी तैयार किया है। बहुत अच्छी बात है, हम इसी वक्त तुम्हारे प्लान पर गौर करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपने साथी अफसरों की इज्जत करते हुए दरखास्त करूंगा कि इस प्लान को सीक्रेट रखा जाए। आपके अलावा इसके बारे में कोई दूसरा ना जाने तो बेहतर होगा। एज यू लाइक विजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है
ये काम तुम्हारे हाथों पूरा होगा। तुम आज ही जाने की तैयारी करो। गुड लक। थैंक्स सर। दयालु दासानुदास को तियानंद पोपट कहते हैं। वैसे मैं दीवान धनपत राय जी का मुंशी हूँ। उन्होंने सलाम भेजा है चंदन लगाकर। धनपत राय कौन? जहाँ पर आपकी बदली हुई है ना, वहाँ पर उसी जंगल में उनकी बहुत बड़ी जागीर है चंदन लगाकर। जागीर तो है, लेकिन ये सब क्या भेजा है इसमें? ये सब क्या है जी? पत्र फल पुष्प चंदन लगाकर। एक काम कीजिए, सलाम छोड़ जाइए और ये पत्र पुष्प फल वापस ले आइए चंदन लगाकर। जी कुछ सेवा में कमी हो। चलो यहाँ से। सब बुद्धि के ब्रह्मचारी हो, उठाओ जान। ये तेरी बदली की क्या बात हो रही थी? हाँ मैं ट्रांसफर हो गया है मेरा मधुबन जंगल में। इसलिए तो कहती हूँ तू जल्दी से शादी कर ले। जब तू चला जाता मैं अकेली रह जाती हूँ। घर में बहू हो बच्चे हो तो मेरा भी दिल लगे। आए दिन इतने रिश्ते आते रहते हैं, उनको क्या जवाब दूं? देखा जब भी शादी की बात करती हूँ तू टाल देता है। लगता है तूने जरूर कोई लड़की पसंद की है और मुझसे छुपा रहे। अरे माँ तुमने मेरे राज की बात कैसे जान ली? तेरे दिल की बात मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? देख विजय, जो भी लड़की तुझे पसंद हो मैं उसी को अपने दिल का चैन बना लूंगी। पर पहले बता तो सही वो कौन है, कहाँ है, कैसी है? मुझे शर्म आ रही है माँ। बड़ा आया शर्माने वाला, बता ना। वो बहुत खूबसूरत है माँ, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा? आसमान की अप्सराएं भी उसके सामने थोबन लगती हैं। वो क्या होती है, काली कमान जैसी भावें और हिरनी जैसे बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। लाखों में एक है माँ। लाखों में क्या, वो करोड़ों में एक है। अरे माँ मैं मुझे तो आज ही जाना, मैं भूल गया, लॉन्ड्री बंद हो जाएगी। देख विजय इस बार मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। इस तरह कैसे चलोगी माँ? पता नहीं सरकार ने मेरे लिए क्वार्टर फिक्स किया है या नहीं किया है। तो देख तू फिर टाल रहा है। मैं चलूंगी चलूंगी। तुम्हें मेरी कसम माँ, इस दफा जाने के लिए जिद नहीं करना। मैं जल्दी से कपड़े ले आता हूँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है। चल। देखा कितना खराब हो गया तुम्हारा लड़का, खुद लड़की पसंद कर लिए और मुझे बताया नहीं। डेरी, वो तोहफे जो हमने नए रेंज ऑफिसर को भेजे थे उसने वापस कर दिए हैं। कोई बात नहीं, अभी नया नया है, आहिस्ता आहिस्ता राह पर आ जाएगा। लेकिन हमें जल्द से जल्द ये पता लगा लेना चाहिए कि वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जो अपने साथ ला रहा है। डैडी आपने बताया था कि किसी के मन का भेद जानने के लिए उसे तीन चीजों का चक्कर दिया जा सकता है, वेल्थ वाइन एंड वुमेन, दौलत शराब और औरत। मुझे लगता है वो पहले दो चक्रों में आने वाला नहीं है। तीसरे में फंसाओ वो अभी बाकी है। बाकी क्या, औरत के चक्कर से विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि नहीं बच सके? ये तो मामूली इंसान है। गो ऑन ड्रिंक दिस, चीयर अप। अपनी इस बीन से इस नाक की मस्ती भी मिटा दे मेरी लक्ष्मी मेरी जान। अबे और लोग आए थे भाई, इस जंगल की माटी ने तेरी मैयत मांगी है क्या? अरे अरे क्यों अपना मुंह गंदा कर रही है, भाग्या कुत्ता जाने दो। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी इज्जत बच गई। अरे बाबू तो हार का आज
घीरल हुआ इस ससुराल तो आज का बदला कल निकालत है। तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं यही रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का रेंज ऑफिसर हूँ। अफसर यानी कि जंगल के बाबू है? हाँ हाँ। अरे ससुरा वो कमजात तो तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिलाई गवा। क्या कह रहे? हाँ देखो ना, हम एक नीच सपेनन और तुम एक पत्तून वाले जंगल के बाबू, वो हमका तुहार बहन कहे गवा, ये कबू हो सकत है का? क्यों नहीं हो सकता, मानो तो सब हो सकता है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। और फिर तुम मेरी बहन जैसी तो हो। का हम तुहार बहन जैसी हैं? हाँ बहन जैसी नहीं, तू आज से मेरी बहन है। मैं देखता हूँ कोई क्या कहता है तुझे। जा, क्या कह जा। मुर्गी जी महाराज, आज अपनी बिरयानी बनाने दीजिए, कल प्रॉमिस करता हूं आपको हाथ नहीं लगाएगा। अरे किधर जा रहे हैं आप? चले जा रहे हैं आप, मेरा सारा मेहनत बेकार कर दिया आप। बार फट्टी नहीं पड़ा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। माफ करना, मैंने समझा था यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। हाँ था, अभी मुर्गी का दरवाजा देख। इस दरवे के मालिक आप हैं? अजय हम क्या नहीं है, हम बहुत कुछ है। हम भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी है, इधर चौकीदार है, रसोईया है, कुक जी महाराज, और जब तक हमारा अफसर जी महाराज नहीं आता है हम इधर का फॉरेस्ट अफसर भी है। लेकिन राहगीर जी महाराज, बड़ी हेकड़ी दिखा रहे हैं आप। सरकारी कॉन्फिडेंशियल मामले में टांग अड़ाने वाले कौन है आप? कौन सा खेत का गाजर बोलिए तुम? जी मैं यहाँ का नया रेंज ऑफिसर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गया, मैं आपको पहचाना नहीं महाराज। मैं कुत्ता है, मैं उल्लू है, मैं सच मुझे आपको पहचाना नहीं महाराज। आजी आजी कोई बात नहीं। आजी जैकब जी महाराज उधर मत जाइए, मैं मुश्किल से फंस जाएगा। जैकब जी महाराज मेरा छुट्टी कर देगा। देख कौन जैकब? वो जीप का ड्राइवर साहब। सुनो आजी, स्टाफ के सब आदमी को बाहर बुलाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ चलाओ। I'm sorry. ए सॉरी के बच्चे, भागता कहाँ है? भाग नहीं रहा, वापस जा रहा हूँ मैम साहब। आप कपड़े बदल लीजिए, बाद में बात करता हूँ। लेकिन तो है कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक छोटा सा नौकर हूँ। अच्छा सूरत दिखाओ अपनी, दिखाओ। देख लो। तुम झूठ बोलता है, मैंने तुम्हारी सूरत आज तक इस ऑफिस में नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। आपकी तारीफ, मतलब कौन है आप और यहाँ कैसे पहुँची? ए रंगरूट, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, नहीं तो जेकब जीप ड्राइवर सारी होशियारी निकाल देगा। और सुन, नीचे जाके देख डिप्टी डालिंग अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं लाए। क्या है? नारायण जी ऑफिसर साहब आ गए, बहुत मुश्किल से फंस जाएंगे, जल्दी जल्दी चलिए। चलिए मैडम भी सही, लेकिन है कौन, कहाँ से आई है, ऊपर कैसे ठहरी है? बहुत खटखटिए नजर आते हो, मारे जाओगे। देखो यहाँ पर रहना है तो आंखें खुली और जबान बंद रखो जी, अच्छा। वरना यहाँ से आदमी का ट्रांसफर सीधा वहाँ होता है। साहब जी महाराज, साहब जी महाराज। अरे किधर मर गया था, तेरे को जाम रहने के लिए बोला था। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, साहब जी महाराज से बात करता है। जहाँ तरी कौन है वो? नहीं रेंज अफसर साहब जी महाराज, चाय रखिए और बाहर जाके लाइन में लग जाइए। साहब जी महाराज वहां करेंगे, चलिए जल्दी। इधर किधर लगता है, बाहर जाके लाइन में लग जाइए। साहब जी सब लोग लाइन में खड़ा आ जाइए। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से तुम लोग अपना काम करते आए हो, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। फिर भी आज सिर्फ वार्निंग देता हूं,
कि सरकार तुम्हें जिस काम के लिए तनख्वाह देती है उस काम में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि संदल, सागवान और रोजवुड के दरख्तों को उगाने और बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है, और सरकार ने खास तौर पर आप लोगों को इनकी हिफाजत के लिए रखा है। क्या यह तरीका इनकी देखभाल करने का? पानी के बगैर सारे पौधे सूख चुके हैं। साहब जी क्या कह रहे, कुछ हमारी समझ में? मत, पहले ये बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं? आ गया सब, आ गया। अबे पहाड़े, ये राज का शिकार फर्स्ट क्लास रोज बना गला। अबे चल जेकब, जीप ड्राइवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेकब। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम जंगली जानवर की रक्षा करो, लेकिन तुम तो खुद ही इनका शिकार कर रहे हो। आइंदा ऐसी हरकत की तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। जेकब सर, जीप लेकर कहां जा रहे हो? घर। ये जीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है, तुम्हारे घर के काम के लिए नहीं। डिप्टी डार्लिंग, बोलो। लगता है गवर्नमेंट बदल गई, अब तो काम करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर अपन आपसे कुछ बोलने को मांगता है। कहो क्या बात है? सर आप इस जंगल में नया नया आया है तो अपन सोचता है कि आपको सब कुछ बता देना अपना ड्यूटी है। सर इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है, और फिर यहां के लोग बहुत डेंजरस है सर। अपन का राय है कि आप यहां जो कुछ भी देखें नजरअंदाज करें तो अच्छा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? जीप ड्राइव करने के लिए सर। जेकब अपने काम का ख्याल रखो, अपने ऑफिसर को राय देने की जरूरत नहीं। राइट सर। सुनो। यस सर। उस लड़की को ऑफिस में क्यों ठहराया है? वो मैडम को सर। सर वो मैडम यहाँ जंगली जानवर का फोटो उतारने के लिए आया है, उसके पास यहाँ रहने को ठिकाना नहीं इसलिए यहाँ ठहरा दिया। पास में कोई दूसरा डाक बंगला है? यस सर। इस मैम साहब को सामान समेत उस बंगले में पहुंचा दो। राइट सर। गंगाराम क्या तू केला खाएगा? गंगाराम बोल, गंगाराम केला खाएगा? अरे बंदर, एक बंदर का बच्चा। बदमाश, ये क्या करता है? बच्ची को डराता है? तू तू ये बहुत बदमाश बंदर है, इसने मेरे हाथ से तोता छीन लिया। तोता छीन लिया? दोबारा ऐसा करे ना तो इसको इस छड़ी से मारना है ऐसे। अच्छा मामा। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। बहुत प्यारा नाम है। देखो तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, अभी तुम इस तोते को लेकर घर जाओ। मेरी माँ तो है ही नहीं। तुम्हारे बापू तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये भी झूठ, मेरे बापू भी नहीं है। क्या तुम्हारे बापू भी नहीं है? हाँ, दादा कहती थी मेरे माँ बाप भगवान से मिलने गए हैं। दादा आ गए, दादा आ गए। अरे साहब को तंग कर रही है मुन्नी। ये तुम्हारी पोती है? जी साहब, मगर बड़ी नटखट है। साहब जी महाराज, जीप तैयार है। ठीक है। मामा मामा, फूल। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और ये तुम्हारे लिए। साहब साहब साहब, इस पहाड़ के पीछे एक पागल हाथी ने तूफान मचा रखा है, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। इस तरफ से और गार्ड्स को लेकर मैं चलता हूं। अच्छा, चलो। बचाओ! बचाओ! बचाओ!
डरिए डरिए मत। अरे ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर निकला। डरिए मत, आइए नीचे आइए। थैंक यू वेरी मच। आपने कैसे म्यूनिसिपैलिटी का बागीचा समझ रखा है? हाथी शेर चीते आम घूमते हैं। अगर फोटोग्राफी का इतना शौक है तो साथ में किसी फॉरेस्ट गार्ड को रखा कीजिए। अगर मैं आज वक्त पे नहीं पहुंच जाता तो ये हाथी आपकी जान ले लेता। आपके ये कपड़े कहीं, कैमरा कहीं, और आपका मलिदा कहीं और मिलता। आइए छोड़ दूं आपको, आइए। इसी का तो मुझे इंतजार था। अभी बताती हूँ। क्या हो गया? मेरे पैर में लग गया। मुझसे चला नहीं जा रहा है। ओह गॉड। टिप्पे जी महाराज। हाँ जी। ये आपके पागल हाथी जी महाराज है। अच्छा, ड्रामा करते हैं। अरे तुम्हारे झंझर में मेरी चाबी भी कहीं खो गई। चाबी तो मेरे पास है। लो 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 लो, लो।
क्यों? मार दिया ना फटका। साहब जी बड़ा कड़क आदमी है, वो किसी के चक्कर में आने वाला नहीं है, मैं जानता है। चलिए चलिए। भगवान जी महाराज, मैं सोता है, मैं रक्षा करना। उर्वशी मोनी, जल्दी से उठ जा, नहीं तो घुस जा, नहीं तो तेरे को कच्चा चबा जाएगी। सब झाकुआ आदमी मर जाएगा। अच्छा जी, से पहले कंबल किधर है? कंबल किधर है? जैकब, ओ जैकब जी महाराज। कौन है भाई? काय को बम मारता है? ओ बादशाह बात है। ओ क्या बात है? अजीब का चाबी किधर है? चाबी? अरे मेरे पास है। तुमसे कहा था ना जीप की चाबी ऑफिस में रखना। सॉरी सर, यह हद को जीप का चाबी पॉकेट में रखने का आदत पड़ गया है। ठीक है, जीप लेकर आओ, मुझे जंगल में दौरे पे जाना है। अभी सर? सर जैकब का ड्यूटी तो दिन का है, रात का नहीं। आपको जंगल में जाना है तो ये तुम्हारा ऑफिस का जीप का चाबी। गुड नाइट, अपन तुम सोएगा बेड़ा पीकर। कार्ड्स को लेकर जंगल में आओ।
के भाग गया महाराज। जब ये सब अपनी बाड़ी के ऊपर लगा के आते तेल, हम जाते पकड़ने वो फिसल जाते महाराज। वो आज देख लिया अपनी आंखों से, तुम समझते थे ये सब मोहनी करती है। लेकिन सरकार मोहनी है जरूर। बखे मत, आप क्या समझते चंदन की ये सारी लकड़ी मोहनी काट कर इधर रखती है। इडियट्स, ये सब उन स्मगलरों की चाल है ताकि तुम लोग मोहनी के डर से भागते रहो और वो लोग बिला रोक टोक अपना काम करते रहे। कुछ भी है, इन बदमाशों का पता मैं लगा के रहूंगा। आज रात तुम सब लोग यहाँ पहरा दोगे और सुबह होते ये तमाम लकड़ी गोदाम में पहुंचानी होगी। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जैकब जी महाराज। जब गजब हो गया, गजब गजब। हाँ जी, वो स्मगलिंग का चक्कर स्मगलर लोग आया, अपना विजय जी महाराज स्मगलर लोग को पकड़ते ऐसा पिटाई किया, ऐसा पिटाई किया, मार मार के चटनी बना दिया। अभी वो लोग इधर आने का हिम्मत नहीं करेगा। देख तेरी तो। तुमको क्यों मिर्ची लग गया? तुमको चोर जी महाराज है। चलो लगा करो। जाता है, चलो जाता है। जी साहब। हाँ सर, कल रात जो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई थी उसे हिफाजत से गोडाउन में पहुंचा दिया। हाँ महाराज, पहाड़ी के होते आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं महाराज। गुड। हेलो मिस्टर विजय। हेलो, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ पहचानते भी कैसे, आपकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है ना। मेरा नाम दुष्यंत है, हमारी जागीर आपके जंगल का एक हिस्सा है। मैंने सुना कल रात आपने पोचर्स का अकेले मुकाबला करके सारा माल वापस ले लिया। उसी की मुबारकबाद देने चला आया। थैंक यू। हमारे साहब जी महाराज बड़े सूरमा, बड़े बहादुर महाराज। हाँ मैं यही कहने आया था कि ज्यादा बहादुरी में कभी कभी जान जोखिम में पड़ जाती है। आप तो जानते हैं आपसे पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनका क्या हश्र हुआ। जी हाँ। खाम खां खतरों को दावत मत दीजिए, पोचर्स की नजरों में पैसे के सामने इंसानी जान कोई अहमियत नहीं रखती, उस सांप की तरह जहरीले। सांप का जहर कैसे निकाला जाता है ये हमने सबसे पहले सीखा था। नाइस, वेरी नाइस। कम ऑन, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ए तांगे वाले महाराज, किधर घुसे चले आ रहे हैं आप? सुनो, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यही रहता है। हाँ जी, वो तो इधर रहता है, लेकिन आप कौन है? मैं विजय की माँ हूँ। माता जी महाराज नमस्कार। विजय की माँ? अगर कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती है तो इनका दिल जीत ले। साहब जी हमको बोले नहीं आ पा रहे। मैंने विजय को बताया नहीं, अचानक चली। अच्छा, लुकर छिपी खेल रहे हैं आप? क्या नहीं, कोई बात नहीं, इधर रहने का जगह भी, ऑफिस भी है। कहाँ मर गए सबके साथ? किसी को कोई फिक्र नहीं। साहब 5 बजे से ड्यूटी पर गए हैं, इतना वक्त हो गया है और अभी तक नाश्ता भी नहीं गया। अरे भाई कोई है कि नहीं? वही काले कमान जैसे भवे, हिरनी जैसी आंखें,
जी आप? मैडम जी, ये माता जी है साहब की, अभी अभी आइए देख। अच्छा, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। माता जी, ये मैडम देखिए। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। आज पता चला विजय यहाँ अकेला आने की जिद क्यों कर रहा था, तो तू ही है वो। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बैठिए माता जी। जैसे विजय ने बताया था उससे भी ज्यादा अच्छी है जी। बहुत मजेदार है, सामान अंदर रख के आता है। भला माँ से छिपाने की क्या जरूरत थी, आने दो उसे। माँ? माँ तुमका भाई, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। क्या करती, कल रात इतना भयानक सपना आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सके। तो क्या तुम मुझे एक तार नहीं दे सकती थी? कमाल कर दिया तुमने। हाँ कमाल तो कर ही दिया, तुम्हारे रंग ने भंग जो डाल दिया। बहुत बुरा किया ना मैंने? क्या बुरा किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे खबर कर देती, मैं लेने चला था, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। अच्छा, लीजिए माँ जी चाय पीजिए। पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय पसंद भी आती है कि नहीं। अरे चाय भाई छोड़, पहले तू मेरे पास बैठ, तुझे जी भर के देखूं तो सही। विजय ने ठीक ही कहा था, काली कमान जैसी भवें, हिरन जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ। क्यों रे, अब क्यों नहीं बोलता? मुझे गलत फहमी हो गई है माँ, ये नीता है, विदेशी अखबारों में जंगली जानवरों की तस्वीरें भेजती हैं। यहाँ भी कुछ तस्वीरें लेने के लिए आई थी और फिर कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली तो यहाँ रुक गई। आप तो आज जाने वाली थी ना, फिर गई क्यों नहीं? सोचा आप आ जाएं तो आपसे मिलकर चली जाऊंगी। अरे ये कहाँ जाएगी? माँ ये इत्तेफाक से यहाँ आ गई, मैं इन्हें जानता भी नहीं। आप क्यों नहीं बोलती जी? हाँ माँ, मैं भी इनको नहीं जानती। हाँ देखो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं चोर तो बन ही गई यहाँ आकर, लेकिन फिर तुमने ये नाटक किया ना तो देख लेना। ऐसी बातें मत करो माँ, मेरा इसका ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप चलिए जी, मैं आपको रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। ये क्यों जाएगी? अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर, जिस औलाद की खुशी के लिए जीती हूँ उसी की खुशी को आकर भंग कर दिया। सुन तू मेरी टिकट मंगवा दे, मैं आज ही शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। माँ माँ कैसी बातें कर रही हो, शाम की गाड़ी से मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं क्यों आई यहाँ? मैं जानता था आपकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। आपको जरूरत क्या थी सर पे पल्लू डाल के सती सावित्री स्टाइल में चाय लाने की? माँ जी लीजिए चाय लीजिए, बहुत बड़ी ड्रामाबाज हैं आप, आपने तो पैर भी कुछ यूज हुए होंगे। अरे कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगी, उन्हें बिठा कर एक कप चाय नहीं पिलाऊंगी, और वो भी आपकी माता जी को? आपने मुझे समझ कर रखा है हा? मैम साहब ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हैं आप? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं निकल रही हूँ इसी वक्त। एक तो मुझे मुसीबत में फंसा रही हो, मुझे गुस्सा भी कर रही हैं। मुसीबत में मैंने आपको फंसाया? आप खुद अपनी हरकतों से फंसे हैं। क्या जरूरत थी माँ से छुप छुप कर इश्क लाने की? इश्क किससे इश्क? मैं तो माँ से सिर्फ अपनी और आपकी सफाई कर सकती हूँ। ठीक है, आप माँ से इतना कह दीजिए कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं और मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं। खाइए कसम। कसम किस बात की, मेरी जान पे बनी, आपको मजाक सूझ रहा है? ठीक है आपका जो जी चाहे कीजिए। भैया की भैया, भैया भैया की भैया। क्या बात है, कौन है तू? वही तो बताने आए हैं हम, पांच कोस दूर से भाग से आ रहे हैं एक साथ। माँ तुम्हें विजय भैया की माँ हो ना? हाँ, मगर तू कौन है? हम तो हर बेटी लच्छी, लच्छी नाम है हमरा। लच्छी? हाँ वो लच्छी सफेद है। हाँ हाँ आ, आ बैठ। अरे बैठने का समय कहाँ है हमारे पास, जाने तो आज नाग देवी का बहुत बड़ा उत्सव है, सारी कुंवारियाँ देवी की पूजा करके माला का नाच नाचेंगी, जिस जिस कुंवारी की माला स्वीकार होते है ना वो उसी बरस सुहागन बन जाते है। हाँ पर मैया तीन बरस से हर बरस माथा ठोकरा है देवी के आगे। आइए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे हाँ मैं तो इसकी बातों में भूली गई, यह है लच्छी विजय की मुंह बोली बहन। अपनी बिटिया भी तो कहो ना माँ। हाँ हाँ मेरी बिटिया भी। बस ये कौन है माँ? मेरा नाम नीता है। अरे नाम जान के का कर अब, ये बताओ कि विजय भैया से कान आता है तुहार? अरे अभी हुआ नहीं है लच्छी। अच्छा तो हमरे जैसी तुहार बात भी अटकी है का? ये ले ₹2, एक माला इसके लिए भी ले आना। ना रे ना, अब तो हम सिर्फ एक ही माला ले।
अब हमरी समझ में आया कि 3 बरस से देवी हमरी माला काहे नहीं स्वीकारती। स्वीकारती भी कैसे भला, भैया का ब्याज नहीं हुआ था। अब तो हम सिर्फ ई के लिए माला ले, पर तो के चलना पड़ेगा, चली हो ना। अरे इससे क्या पूछती है, मैं इसे लेकर आऊँ। ये ले पैसे। अरे पूजा के पैसे ई के हाथ से दिलाओ। ओ, लाओ, जरूर आना। कितनी भोली है।
दोनों साथ में मिल गए। ये ले शगुन का नारियल। किस बात का शगुन? अभी अभी रामू की माँ को बधाई देकर आ रही हूँ, उसकी नई बहू आई है ना, ले ले खा ले। तू भी खा ले, भगवान तुझे जल्दी से सुहागन बनाए। जरा गाड़ी रोको यार। जैकब गाड़ी इस तरफ लो। इधर से जाने को नहीं सकते सर। क्यों? सर वो बारिश की वजह से पुल टूट गया है, रास्ता बंद है। रास्ता बंद है तो चलो इस तरफ चलो। पहाड़े क्या हो रहा है? ये काम चल रहा है महाराज। दो दिन के काम के लिए तुम लोगों को 15 दिन चाहिए। फायर लाइन का मतलब समझते हो? जी हाँ साहब। इस तरफ जंगल में आग लगे तो फायर लाइन बीच में होने की वजह से उस तरफ आग नहीं पहुंचेगी। जब मालूम है इतना अर्जेंट काम है तो इतनी देर क्यों हो रही है? पहाड़ी जी साहब, देर नहीं होनी चाहिए, काम जल्दी खत्म होना चाहिए। जल्दी करेगा साहब, एकदम जल्दी करेगा। हाँ जी चलो जल्दी करो, काम करते हैं। क्या करते जैसे ही टाइगर खाएगा फौरन मर जाएगा और इसके बाद 10,000 की खाल हमारी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नौकर हो, तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हो,
काम करते हो चोरों और गद्दारों के लिए? क्या बात करते हो साहब, अपन चोरों और गद्दारों के लिए काम करता है, क्या सबूत आपके पास? आहिस्ता बात करो, मेरे पास सुनने के लिए कान है। जानना चाहते हो सबूत क्या है? नंबर एक, मेरे मना करने पर भी तुम जीप की चाबी अपने साथ घर ले गए। नंबर दो, तुमने मेरे साथ जंगल के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ दिन की है, रात की नहीं। और मेरे वहां पहुंचने से पहले लुटेरे संदल के बहुत से दरख्त काट चुके थे। नंबर तीन, आज दौरा करते हुए जब मुझे शक हुआ कि वो बदमाश पुल के पास कार्रवाई कर रहे होंगे, मैंने तुम्हें जीप उस तरफ ले जाने के लिए कहा, लेकिन तुमने ये कहकर सड़क खराब है, पुल टूटा हुआ है, जीप दूसरी तरफ मोड़ दी। और जब मैं तुम्हें छोड़कर वहां पहुंचा तो मेरा शक ठीक निकला। गवर्नमेंट के नौकर होते हुए इन गद्दारों की मदद करके तुम सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दे सकता हूं। तुम कौन होता अपन को सजा देने वाला? मैं यहां का ऑफिसर इंचार्ज हूं। ना तो मेरा कोई इंचार्ज है, ना मैं किसी का नौकर, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। जैकब, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाकर सो जाओ। सुना नहीं, जाओ अपने घर जाओ। जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।
ठीक हुआ या नहीं? वही तो देख रहा हूँ साहब, लगता है वाटर पंप में कुछ खराबी है, अभी मैं नट बोल्ट खोल रहा हूँ। वही साहब, साहब वो देखिए, वो रही मोहिनी। बंदूक था कर लोगों को धोखा देती रही, सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। चले आए, शर्म नहीं आती तुम्हें? चंदन की लकड़ी से भरे हुए तीन ट्रक, मतलब जानते हो लाखों रुपए का नुकसान। इडियट्स, गेट आउट। लेकिन सर, आई से कीप क्वाइट एंड गेट लॉस्ट। आई विल सी हिम। चलो। तुम्हें सुनकर खुशी होगी विजय कि गवर्नमेंट ने मधुबन फॉरेस्ट को सैंक्चुअर बनाने की परमिशन दे दी है। दैट्स वेरी गुड सर। मैं भी एक खबर सुनाने आया हूं सर कि टिम्बर ढोने के लिए दूसरे जंगलों से हाथियों की काफी मांग आ रही है। क्यों ना उन्हें हाथी सप्लाई करके उनसे शेर, चीते, रीछ वगैरह हासिल कर लीजिए। सर, इन जानवरों की पोचेस की वजह से हमारे यहाँ बहुत कमी आ गई है। दैट्स वेरी गुड आइडिया। अच्छा, चीता जी महाराज किसने? तीन है, इधर बैठे आप। कैसे आप? अच्छा अच्छा, ये बग्गा जी महाराज कैसे? लकड़ बग्गा, लकड़ बग्गा, ये देखिए बग्गा जी महाराज का खराब है। अच्छा, अब अपने अफसर साहब को बोल देगा सब सामान बिल्कुल ठीक है, आप इनके भोजन का अरेंजमेंट कीजिए। आइए मेरे साथ, जल्दी आ जाइए। चलिए। अच्छा, तो विदेशी अखबारों के लिए जानवरों की तस्वीरें ली जा रही हैं। इनकी तस्वीरें उस वक्त लेना जब मैंने खुले जंगल में आजाद छोड़ दूंगा। आजाद जानवरों की तस्वीरें तो बहुत ले चुकी हूँ, अब तो मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि जब जानवर कैद में हो तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है। पता नहीं माँ की सेवा का कि तुमने क्या जादू कर दिया है। दिन रात से मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है और कहती है कि जल्दी से घर में एक हंसता खेलता पप्पलू आना चाहिए। अरे ये क्या कर रहा तुम? छोड़ो, कोई देख लेगा पापा, छोड़ो ना प्लीज। छोड़ू तो तब जब मेरी पकड़ में आओ, अभी तो काम।
कहीं विजय का शिकार खेलते खेलते खुद तो उसका शिकार नहीं हो गई हो? क्यों, तुम्हें ये शक क्यों हुआ? देखो नीता, हमने तुम्हें इसलिए रखा था कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो और अपनी फोटोग्राफी की आड़ में तुम हमें उन तमाम बातों की खबर करती रहोगी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ सोच रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे खिलाफ विजय की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं और इधर तुम्हारी सरगर्मियां कुछ मध्यम होती जा रही हैं। इसीलिए तो मैं शादी का नाटक खेल रही हूँ ताकि जल्द से जल्द विजय के नजदीक जाकर सीक्रेट प्लान का पता लगा सको। एक्सलेंट, दैट्स लाइक नीता। अच्छा, आज क्या लीजिए साहब? बच्चे पकड़ो। अजय, मैं अरे बच्चों से डरते हो? डरता नहीं, जंगली जानवर पकड़ लगा तो मस्का। अरे कुछ नहीं कहेंगे, पकड़ो। अजय बाबा, ये लाल पेंसिल के निशान कैसा? ये लाल लकीर के अंदर का इलाका दीवान धनपतराय के कब्जे में, जबरदस्ती पकड़ के बैठाते। मगर हमारे सर्वे के मुताबिक ये जमीन गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है, बिल्कुल है, लेकिन उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता। बड़ा दबदबा है साहब, जंगली जानवर तक डरता उससे। शो कॉज नोटिस, दीवान धनपतराय को शो कॉज नोटिस। मुझे खुद बहुत ताजुब हुआ, आज तक किसी रेंज ऑफिसर ने ऐसी जरूरत नहीं की। कोई बात नहीं, मैंने भी उसे आज ही उसकी गुस्ताखी का मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम धनपत राय नहीं। और इस खुशी में तुम्हें आजाद करते हैं ताकि तुम अपने उस मुंबले भाई की और अच्छी तरह सेवा कर सको। जाओ जाओ जाओ, मैं कह रहा हूं, जाओ जाओ। नहीं,
प्रसन्न बाबू हमका माफी दे दो, हमका माफी दे दो। माफी की बच्ची, तूने वो काम किया है कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ। बता बता उस कुत्ते को हमारे बारे में क्या क्या बताया। कुछ नहीं बोले दुष्यंत बाबू, कुछ। ठीक ठीक बताओ वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बोल। भगवान कसम हम कुछ नहीं बोले। नहीं, ले जाओ इसे और डाल दो इसे तहखाने में। चाल चाल आओ चाल। जेकब को भेज दो। वेरी गुड वेरी गुड, वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर, गो अहेड माय बॉय। जेकब सर, सेंचुरी बनाने के लिए जो जानवर विजय ने बाहर से मंगवाए हैं अभी भी उसके पिंजरे फॉरेस्ट ऑफिस के पास ही बस्ती में रखे हुए हैं। मौके का फायदा उठाओ, उन तमाम खूंखार जानवरों को खुला छोड़ दो। विजय, उसके साथी और सारी बस्ती को खत्म करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक सर, गो अहेड, कम ऑन। मामा से मिलने के लिए, मामा के लिए फूल लाई हूँ। अच्छा, मामा को दूंगी। लेकिन तेरा मामा इस वक्त घर में नहीं है, तू मेरे साथ नदी पर चल, जब तेरा मामा आए तो उसे फूल दे देना। लाओ ये कपड़े मुझे दे दो। नहीं नहीं बेटी।
तूने उसे भी छीन लिया। Dad? कौन है ये? ये वही ऑफिसर है। अच्छा,
हेलो मिस्टर विजय। हेलो। क्या बात है, खैरियत तो है? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं, ये प्लग में खराबी हो गई थी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे डैडी से मिलिए। डैडी ये है हमारे नए रेंज ऑफिसर मिस्टर विजय कुमार। नमस्ते रेंजर साहब, नमस्ते। आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन जनाब हमें ये क्या नोटिस भेज दिया आपने कि सरकार की 1000 एकड़ जमीन हमारे कब्जे में है? हमारे पास तो खुद इतनी जमीन है कि आने वाली नस्लें बैठ के खा सकती हैं, तो फिर सरकार की 1000 एकड़ जमीन लेकर हम क्या करेंगे? बुरा मत मानिए दीवान साहब, कानून के मुताबिक हमें भी तो फर्ज निभाना पड़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, यू आर राइट। सही बात, कानून। माँ, माँ क्या बात है? माँ राजा, डर मत, फिक्र मत कर। मैं देख रहा था तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी? चोट का बच्चा, दो दिन से राह देखते देखते हमारी आँखें थक गई। बोल कहाँ रहा? आए हाय, तू मेरा इंतजार कर रही थी? देख तो हमारी आँखों में कितना प्यार है, देख आना। और पास आना। कैसे आऊं, बीच में तो दरवाजा है। अरे असली प्रेमी तो सात समंदर पार कर जाते हैं प्रेम करने के लिए, और तू इस दरवाजे के पार नहीं आ सकता? किधर कहीं का। क्यों नहीं आ सकता? मैं तुम्हारे सामने हूँ माँ। दीवान सिंह। दीवान सिंह? कौन दीवान सिंह? वही दीवान सिंह। तुम क्या दीवान धनपत राय की बात कर रही हो? हाँ, उस हत्यारे ने वो पाप किए हैं जिसे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ, दीवान धनपत राय यहाँ के बहुत बड़े जागीरदार हैं, उनकी बड़ी इज्जत है यहाँ। जागीरदार, इज्जत? सांप चाहे जितनी केचली बदल ले, लेकिन सांप सांप ही रहता है। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है, और आज मैंने उसके साथ अपने बिछड़े हुए बेटे को भी देखा है। बेटा? हाँ, वो तेरा छोटा भाई है अजय। कैसी बात कर रही हो माँ, उसका नाम तो दुष्यंत है। तुझे यकीन नहीं आता ना, मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? कैसे? ये देख, ये है तुम्हारा दीवान धनपत राय।
इसका असली नाम है दीवान सिंह। ये जागीरदार दलजीत सिंह का एक मामूली मैनेजर था। ठाकुर दलजीत सिंह और तेरे पिता बहुत गहरे दोस्त थे। यार दलजी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, ताकि हमारा रिश्ता अटूट हो जाए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कैसे यार? अरे यार, है ना गधे के गधे। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी बेटी नीता और हमारा बेटा विजय दोनों का रिश्ता कर दें। क्यों सावित्री? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला, अपने मैनेजर साहब से मशवरा कर लो। क्यों दीवान सिंह, क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है रेंजर साहब, मगर कहीं ऐसा न हो कि बाल विवाह के जुर्म में दोनों समझी जेल में बैठे हों। मगर तुम्हारे पिताजी को शक था कि दीवान सिंह जंगली जानवरों की खालों की स्मगलिंग करता है, और वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, वो करवा चौथ की रात। अरे ये क्या कर रहे हो? पूजा की ज्योति से फुलझड़ी जला रहे हो? बहुत शरारती हो गए। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लो, तुम लोग फिर यहाँ शरारत करने चले आए? चलो अपने पापा को काम करने दो। चलो चलो, उतरो उतरो, भागो यहाँ। अरे त्यौहार करने दो शरारत, और फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम शरारत करेंगे? हाय राम, ये तो उसी भूतनी की आवाज है जो हमारे गांव में भटकती रहती है। ये कोई भूत भूतनी नहीं है, ये दूसरा ही चक्कर है। मैं आता हूँ। मम्मी आओ। मम्मी, अजय के पिताजी के पीछे पीछे गया। क्या? इस छुटके ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैनेजर साहब, दो चीते की और चार हिरन की खालें तैयार हैं। वेरी गुड, सामान छिपाकर हवेली के तहखाने में रख दूं। बेहतर। सरकार, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। तुम लोग भाग जाओ, मैं देखता हूं। अरे ओ जय, न जाने कहां चला गया इस अंधेरे में। अरे अजय, तू मेरे पीछे क्यों आ गए बेटे? पागल है बिल्कुल, बहुत शैतान हो गया। देख, तू यहीं बैठना है, कहीं जाना नहीं है। मैं भी आता मेरे रास्ते में आता है, उसका यही अंजाम होता है। दीवान सिंह, कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाओ! दीवान सिंह! खबरदार! छोड़ दे मेरे बच्चे को! दीवान सिंह, बंदूक मत चलाना, आजा की जान खतरे में है। दीवान सिंह! भाभी, भाभी, भाभी! ठाकुर दलजीत सिंह जागीरदार, सरकार ने यह मुकदमा तुम पर और तुम्हारे मैनेजर दीवान सिंह पर, जो इस वक्त मफरूर हैं, एक साथ चलाया है। तुमने अपने बचाव में यह साबित करने की कोशिश की है कि तुम बेकसूर हो, और तमाम जुर्म तुम्हारे मफरूर मैनेजर दीवान सिंह ने किए हैं। लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि यह सब तुम्हारी चाल है। रेंज ऑफिसर कमल राय की लाश के पास तुम्हारे पैरों के निशान और तुम्हारी टूटी हुई माला, तुम्हारी हवेली के तहखाने में गैरकानूनी तौर पर रखी हुई जानवरों की खालें, हाथी दांत और बगैर लाइसेंस के पिस्तौल और बंदूकें, ये सब शहादतें साबित करती हैं कि तुम और तुम्हारा मफरूर मैनेजर दीवान सिंह दोनों मिलकर स्मगलिंग करते थे। लिहाजा अदालत तुम दोनों को मुलजिम ठहराते हुए रेंज ऑफिसर कमल राय को कत्ल करने, उसके बच्चे को अगवा करने। जज साहब, ये नाइंसाफी है। कमल राय मेरा जिगरी दोस्त था, मैं जिसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, भला उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? जज साहब, मैं तुझे बचाने के लिए गया था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ। एक तरफ उजड़े हुए सुहाग का गम और दूसरी तरफ बिछड़े हुई औलाद का सदमा। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी खुशियों में मैं अपने गमों का जहर खोल दूं, लेकिन आज जब उसे देखा तो ऐसा लगा मेरी बरसों की खोई हुई खुशी मुझे वापस मिल गई। ये देख विजय, ये देख, ये तू है और ये अजय।
अजय, तूने दुष्यंत की बाइया के पास तिल देखा है ना? हाँ माँ। बिल्कुल ऐसा है जैसे अजय की बाइया के पास है, है कि नहीं? हाँ हाँ माँ है। बेटे, जो माँ अपने खून से सींच कर औलाद को जन्म देती है वो उसे पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। विजय, तू मेरी ममता की प्यास नहीं बुझाएगा, मेरे अजय को मुझसे नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं माँ, हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन और क्या हो सकता है? हमारा खोया हुआ अजय हमें वापस मिल गया है, मेरा छोटा भाई, मैं उसे अभी वापस लाता हूँ। माँ, भैयो भैयो रुको, भैयो रुको, क्यों अब कौन सा नया नाटक रचाने का इरादा है? बोलती क्यों नहीं? तूने मुझे भाई बनाया था ना, ऐसी होती हैं बहनें। बहनें भाई की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती हैं और तू मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी। नहीं भैया, ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। हम अगर ऐसा न होते तो कहा तुमका भैया कह के बचाते जब वो जहरीला चाकू फेंके रहा। हाँ? नाग देवी के स्वागत भैया, हम जो कुछ करते रहे मजबूरी की खातिर करते रहे। मजबूरी? कैसे मजबूरी? ये हमारा छुटकन भैया है, तुम सुने रहे होगे कि हमारे छुटकन भैया को जंगली जानवर उठाए ले गए हैं, पर नहीं ले गए रहे वो खूनी लुटेरे जिनके पंजे से हम बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए हैं। का कौन है वो, कौन है उनका सरदार? जमींदार धनपत राय का बेटा दुष्यंत। दुष्यंत? ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं आ रहा ना? लच्छी यहाँ। पाला गुमैया। माँ, ये इसका छोटा भाई है। इस मासूम को दुष्यंत ने अपनी कैद में रखा, इसे मार डालने की धमकियां दे देकर आज तक लच्छी से उल्टे सीधे काम करवाता रहा। पूछ ले इससे। ये बिल्कुल सच है मैया, वो कलंकी दुष्यंत ने हमका ही नहीं बहुतन का डसा है। वो के खूनी पंजे से हम कैसन कैसन छूटे हैं ये हमार कलेजा ही जानत है। सच मैया, वो तो मानस नहीं राक्षस है, राक्षस। मैं आगे और कुछ सुनना नहीं चाहती, तो तू इस वक्त जा यहां से। जा। काजल की कोठरी में रहकर कौन काला नहीं होता? अगर अजय को भी तेरी तरह माँ की ममता और अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता तो वो भी तेरी तरह एक अच्छा इंसान बनता। क्या होता क्या नहीं होता उसका वक्त निकल चुका है माँ। सवाल ये है कि जिस बिछड़े हुए प्यार को वापस लाने का वादा मैंने अपनी माँ से किया था, अब उसे हथकड़ियों में जकड़ कर कानून के हवाले करना है। विजय, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर विजय। आखिर वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है जैसे तू। तुम क्या चाहती हो माँ, उसके जुर्म पे पर्दा डाल के अपने देश से गद्दारी करूं? तुम तो बड़े गौरव से कहा करती थी कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने अपना फर्ज निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा फर्ज है, मुझे आशीर्वाद दो माँ। नहीं नहीं, ये अपराध मुझसे मत करा। तुम दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया है तो ये क्यों नहीं सोचता कि वो तेरा सगा भाई है? हर मुजरिम किसी का भाई होता है माँ, किसी का बेटा होता है, लेकिन दुष्यंत इस वक्त मेरी नजरों में सिर्फ एक मुजरिम है और मुजरिम को सजा दिलवाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सांसिवराज, ये आशियाना गेस्ट हाउस है ना, उसमें एक आया फॉरनर, अपने आप को बोलता टूरिस्ट, लेकिन मेरे को चक्कर कुछ गड़बड़ लगता महाराज। मुझे पहले ही शक था कोई आदमी आने वाला है आज। अब इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। आओ बेटा। हाँ चलिए। यह लेटर गल्फांजो एंटरप्राइजेस की तरफ से कोड में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने एक नए नुमाइंदे शेख सामी को हमारे साथ बिजनेस के लिए भेजा है। जगत, तुम शेख सामी को सारा माल दिखा दो, उसे बातचीत फाइनल कर लो। अच्छा सर। तुम तो जानते हो हमारा सारा कारोबार खुफिया है, असूल के मुताबिक जब तक बातचीत फाइनल नहीं हो जाए दूसरी पार्टी को यह नहीं पता होना चाहिए कि बॉस कौन है।
तुम हो, मैं हूं या कोई और? राइट सर। पहाड़ा सिंह? यस सर। तुम शेख सामी को अपने गुलाम में पहुंचा दो। वो आशियाना नाम के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। इस बार जो हमें कोड वर्ड मिला है वो है 3 बार गीदड़ की आवाज। यस सर। यस सर क्या गीदड़ कितना बोल सकोगे? यस सर। बोलो। राम राम राम। घोर कल चुका गया। दिन में गीदड़ जी महाराज बोल रहे। देख ये गीदड़ की आवाज नहीं पहाड़ी आदमी की आवाज है। इनका कोड वर्ड है। इसको बोलो गीदड़ की आवाज निकाले। शेख जी महाराज जल्दी से गीदड़ जी महाराज की आवाज निकालिए, नहीं तो आपकी खोपड़ी फूट जाएगी। जल्दी बोलिए। क्यों? देखा? हाँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन? मैं आपका खादिम पहाड़ा सिंह। आपका अपना आदमी हुजूर। जीप लेके आए हो? जी हुजूर। आपके लिए आइए। चलो चलो चलो। वेलकम शेख, वेलकम। ए पहाड़ा सिंह पट्टी करो। अपन को जैकब साहब बोलता है। बहुत खूब बहुत खूब। जनाब से मिलके शेख सामी का दिल पाग पाग हो गया। कारोबार के लिए तो नहायत महफूज जगह चुन रखी है जनाब। वाह 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 वाह। इस मामले में तो आप नहायत चालाक और होशियार आदमी है जी। शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। थैंक यू थैंक यू। शेख साहिब अब अपना इन मुबारक कदमों से हमारा जगह का राउंड लगाकर इसको पाक कर दीजिए। क्यों? हमारा फिदाई शख्सियत बहुत पसंद आ गया क्या? अल्लाह का फजल आ तो एकदम साफ कर देंगे जी। आई सी आई सी। अरे शेख साहिब, शेख साहिब ये रहा आपका चंदन का लकड़ी और उधर देखो। आइए शेख साहब ये रहा आपका दूसरा ऑर्डर, हाथी का दांत। जानते हैं आपने तो 1200 किलो हाथी दांत का ऑर्डर कर दिया। उस 1200 किलो को हासिल करने के लिए अपन लोग को 40 हाथी का खून करना पड़ा। 40 हाथी। मरहबा मरहबा। और एक नजर इधर भी। आइए सदाफरी। एकदम जिंदा लगता है, एकदम जिंदा लगता है, लेकिन है मुर्दा। हमको माल पसंद है, कीमत बताओ। शेख साहब आपका कंपनी के लिए कीमत क्या है? ये सारा माल हम आपको 50 लाख में देता है। 50 लाख? हमारे अंदाज के मुताबिक तो सारे माल की कीमत 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जानते हैं सरकार ने जब से जंगली जानवर मारने पर बैन लगाया है तब से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अब हाथी दांत देखिए, 500 रुपए किलो बिकता था, आज उसकी कीमत 1500 रुपए किलो हो गई है। कुछ भी है हम 25 लाख से ज्यादा नहीं देगा। बोलो मंजूर? तो ठीक है शेख साहब, अगर ऐसा ही बात है तो हम कल पूछ कर बताएगा। सुनो याकूब मियां। जैकब। हाँ जो भी है, तुम्हारा हमारा कीमत के बीच में 25 लाख का फर्क है। हम तुम्हारे मालिक से बात करेगा बड़ा रास। ओफो शेख साहब आप नाराज क्यों होता है? बिजनेस तो होता रहेगा। जानता है हमारे मालिक ने आपका आने की खुशी में एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रखा है। हसीना खूबसूरत है, जवान है बहुत। फिर तो थोड़ा आगे पीछे करके बिजनेस हो जाएगा। दैट्स इट।
वाह वाह शेख साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया है। नहीं याकूब मियां, जैकब। हाँ जैकब मियां, कमाल हमने नहीं, कमाल इसने सीना ने किया है। आफरीन सदाफरीन, इसने हमारी तबीयत में तलातम पैदा कर दिया है। इस हसीना हिंद के दीदार के लिए हम एक बार फिर यहाँ आएंगे, और बिजनेस का फैसला भी अब यही होगा। अपने मालिक से कह दो कि माल के साथ साथ हसीना की कीमत भी लगा ले। शेख साहब माफी चाहता हूँ, हुस्न का सौदा दौलत से नहीं दिल से होता है। नहीं याकूब मियां, सिर्फ दिल देने से इश्क में वो चमक नहीं आती जो दौलत का मलम्मा चढ़ाने से आती है। क्यों हसीना, शर्मा रही है, शर्मा रही है। क्या नीता लुटेरों के साथी? हाँ माँ, हमारे पल पल की खबर उन बदमाशों तक पहुँचाने के लिए उसने एक भोली भाली लड़की का स्वांग रचाकर हमारे घर में पना ली है। अगर तू उन्हें बता दे कि ये शेख सामी नहीं बल्कि विजय खुद था, तो शायद तू इनका विश्वास जीत ले और ये लोग तुझे जल्दी ही बॉस से मिलवा दें। वेल डन नीता, भाई वाह, शेख सामी को शीशे में उतार कर तो तुमने कमाल कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बॉस से मिलवाने से पहले तुम मेरे और कितने कमाल देखोगे? देखो एक बात सुन लो, आज से तुम्हें मुझे बॉस से मिलवाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हमारे इम्तिहान में अभी तक पूरी नहीं उतरी हो। क्या मतलब? नीता, हमने जो तुम्हें खास मिशन दिया था कि तुम विजय को अपने इश्क में फंसा कर उस सीक्रेट प्लान का पता करो जो वो हमारा बिजनेस खत्म करने के लिए अपने साथ लाया है। शेख सामी वो खुद रेंज ऑफिसर विजय था जो शेख सामी बनकर हमारे खुफिया गोदामों को नजारा करके चला गया। ओह गॉड, जेकब सर, इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठाए उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। पासबुक लगाना, घबराओ मत, हम तुमको रेंजर साहब का कोच खिलाएगा। साहब साहब, उधर एक शेर बड़ी बुरी तरह दहाड़ रहा है। कहां पर? उस तरफ साहब। बेचारा, गॉड इसकी आत्मा को शांति देना।
क्या बुराई की थी मैंने जो तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल देना चाहता था, इसलिए कि मैंने तुम्हारी काली करतूतों में तुम्हारा साथ नहीं दिया, यही ना? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? एक दरिंदे की आंखों में आंसू। मेरा तो ख्याल था जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा होता है उसी की आंखों में आंसू आते हैं। अगर तुम सचमुच अपने किए पे पछता रहे हो तो आज से नेक इंसान बनने की कोशिश करना। मत भूलो भगवान ने आज तुझे नई जिंदगी दी है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर। नहीं सर। मैं कहता हूं मेरा पैर छोड़ो। सर जब तक आप मुझे माफ नहीं करेगा मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। चेक अप सर, कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। देखो जेको, जो नुकसान तूने मुझे पहुंचाया है उसके लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूं, लेकिन जो गद्दारी तूने सरकार के साथ की है उसकी सजा तो तुम्हें अब भुगतनी ही पड़ेगी। सर मैं जानता हूं सर, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सर मुझे कोई भी सजा देने से पहले एक अच्छा काम कर लेने दीजिए, प्लीज एक अच्छा काम। मेरा यक सर, हम इसका कसम खाकर कहते हैं, हमको मालूम है सर ये जंगली लुटेरों ने लाखों रुपए की खाले, हाथी दांत, रोजवुड, चंदन की लकड़ी किधर छुपा के रखा है, और वो सब आज रात को स्मगल करके बाहर भेजने वाला है। आप जल्दी से सर उस पर कब्जा कर लीजिए, प्लीज सर। सर मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ। थैंक यू सर। सर ये हमारा ड्यूटी है, प्लीज। थैंक यू सर।
मकान पे कब्जा कर लो। अच्छा तो ये बात थी। अरे वाह, ये जो तुमने अपने हाथ से हमारे बुढ़ापे की तस्वीर पर जवानी की दाढ़ी और मूछ लगा दी, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं रहा ना कि हम ही हैं तुम्हारी जागीर के पुराने मैनेजर दीवान सिंह, जिसको ढूंढते ढूंढते तुम यहां तक आ पहुंची। क्यों दुष्यंत, फेंक दो। मैं कहता हूं बंदूक नीचे फेंक दो। क्या पागल बनकर आए दुष्यंत? अगर तुम्हें अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। सुना नहीं तुमने? अगर अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। नहीं, ये तुम्हारी मां है दुष्यंत, जिसे तुमने फांसी पे लटका रखा है। यह मेरी ही नहीं, तुम्हारी मां है। मेरा यकीन करो, यह तुम्हारी मां है। मां? मेरी मां? बहुत खूब, हमने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मोहिनी का नाटक रचाया और तुम हमें उल्लू बनाने के लिए मां का ड्रामा खेलने लगे। नहीं दुष्यंत, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, यह तुम्हारी मां है, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम दोनों ने इसकी कोख से जन्म लिया है। हम दोनों सगे भाई हैं। ऐसी बचकाना चालों से तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जब्त किया हुआ हमारा सारा माल वापस कर दो और वायदा करो हमारे रास्ते में आने की जरूरत नहीं करोगे। मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। ये माल न तुम्हारा है न मेरा है। मैंने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज निभाने के लिए किया है। ये फर्ज वर्ज की रट लगाकर क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो? असली लुत्फ लेना है तो आओ, हमारे कारोबार में हमारा साथ दो। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। बोलो, तुम्हें कितना रुपया चाहिए? रुपया विजय को नहीं खरीद सकता दुष्यंत, यही बात मैं तुमसे कहता हूं। इस आखिरी मौके से फायदा उठाओ, अपने गुनाहों का एतराफ कर लो और इसके लिए कानून तुम्हें जो भी सजा दे उसे बेइज्जती न समझकर खुशी से कबूल कर लो। इसी में तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है दुष्यंत। कहीं ऐसा ना हो प्रायश्चित तुम्हें करना पड़े, इस मां के लिए जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस जंगल के लिए जिसे तुम अपना फर्ज समझते हो। जानते हो इसमें क्या भरा हुआ है? पेट्रोल। इसे अगर जरा सी आग दिखा दी जाए तो तुम, तुम्हारी ये मां, तुम्हारा ये जंगल सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना दुष्यंत। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन इस जंगल को आग मत लगाना। इस जंगल के पशु पक्षी शीशम सागवान संदल की लकड़ी इस देश की संपत्ति है। इसे नष्ट मत करना दुष्यंत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसे नष्ट मत करना। तो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। तुम्हारे सर पर पागलपन सवार है। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें इस पाप के लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। पाप और पछताना मैंने नहीं सीखा। बोलो मंजूर है या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा मत करो दुष्यंत, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, रुक जाओ। Thank you.
हैंड्स अप। सावित्री, सांप 12 साल तक अपना बदला लेना नहीं भूलता, तो दीवान सिंह 24 साल तक। तुझे याद है ना वो दिन जब तेरे पति ने इस दुनिया से मेरी हस्ती मिटा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके बदले में मैं उसके सारे खानदान को नष्ट कर दूंगा। बड़ा घमंड था उसको अपनी ईमानदारी पर ना। मैंने उसी के एक बेटे को चोर डाकू बनाकर दिखा दिया और दूसरे को अपने ही भाई का कातिल। ये देख इस जागीरदार की बेटी को तू अपनी बहू बनाने के सपने देखा करती थी, आज तू उसकी मौत का तमाशा देखेगी। रेंजर साहब, आज मैं बरसों की प्यास बुझाने के लिए तुम सबको एक ही चिता में जला दूंगा। तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है भैया। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिलता है। भैया तुम महान हो भैया। भैया मेरी तो यही इच्छा है कि अगले जन्म में मैं एक बार फिर तुम्हारा भाई बनूं। इसी मां का बेटा जिसकी ममता प्यार कुमार ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए भाई भाई के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। इनकी बहादुरी काबिल तारीफ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके निस्वार्थ सेवाओं को सराहते हुए इन्हें यह सम्मान पत्र पेश करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जड़ का रुतबा फल से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सम्मान पत्र को पेश करने का श्रेय विजय कुमार की माता जी को प्राप्त हो। आइए